अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 22 मेरी प्यारी साइकिल का मुतालिया करेंगे। आश्कार, ज़ाहिर, मुफारकत, जुदाई, वासिक, पुख्ता, कारामद, मुफीद, संगीन, सख्त, माजरा, मुआमला, अव्वलीन, पहला, काया पलटना, किस्मत बदलना। अब हम इस सबक का बाकायदा मुतालिया करेंगे और मुश्किल अल्फाज के माने भी साथ लिखते जाएंगे। आज मैं पहली बार पैदल आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि अपनी मामूली से मामूली चीज़ भी कितनी कारामद होती है। कारामद का माने हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मुफीद या फ़ायदा देने वाली। वाकई वो तमाम अशिया जो हमारे पास होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो दागे मुफारकत दे जाती हैं, दाग मुफारकत यानी जुदाई का दाग, जुदाई का दाग इसका मतलब ये है कि हमसे जुदा हो जाना, अलहदा हो जाना या दूर हो जाना, तो फिर हम इनके स्वयं और चहला मनाते हैं। आज मैं ये हक सच का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस साइकिल की याद सता रही है। जब मेरे पास बुज़ुर्गों का एक बेशकीमत यानी बहुत कीमती वर्षा है, वर्षा मीरास, इस पर मुझे फ़ख्र है। मैं ही क्या, मेरे तमाम घर वाले, तमाम अहले वतन भी इस पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं कि उनके पास दुनिया की अव्वलीन साइकिल मौजूद है। अव्वलीन यानी पहली। ये साइकिल मेरे हाथ कैसे लगी ये माजरा भी बड़ा दिलचस्प है। माजरा यानी मामला। मैं तीसरी जमात का तालिबे इल्म था, सारा दिन गिल्ली डंडा और पतंगबाजी में गुजार देता। इस मैदान में मैं यकता और लासानी था, यकता यानी वाहिद, लासानी बेमिसल, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। वालिद मोहतरम को मेरे ये लक्षण यानी तौर तरीके, एक आँख ना पाते थे, ना पसंद थे या बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इन्होंने अपने तमाम तरह हकूक इख्तियारात मुझ पर आजमा डाले, लेकिन मैंने भी हार मानी ना वतीरा बदला, वतीरा यानी शेवा। उनका एक हरबा यानी हथियार मुझ पर न जाने किस तरह असरंदाज हो गया। शायद ना समझे हो कम सनी की वजह से मैं उनकी बातों में आ गया। वो हरबा और दिलासा यानी तसल्ली, बल्कि चकमा ये था, चकमा का मानी धोखा, कि बेटे अगर तुम जमात में अव्वल आ जाओ तो मैं तुम्हें इसी वक्त एक नई साइकिल खरीद दूंगा। बच्चा था, लालच में आ गया। दिन रात मेहनत की, कुछ ट्यूशन की रकम ने असर दिखाया और मैं जमात में अव्वल आ गया। अब तो मैं उठते बैठे, सोते जागते ख्यालों ही ख्यालों में साइकिल पर रोड मास्टरी कर रहा होता। लेकिन जब मैंने देखा कि अब्बा जान टाल मटोल यानी आजकल करना और हीलों बहानों बहाने बनाना या टाल मटोल करना, हीलों बहानों से काम ले रहे हैं, तो मैंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। मसलन तोड़फोड़, हड़ताल, फिर भूख हड़ताल, यहाँ तक के छोटे बहन भाइयों की मुरम्मत। जब इंतज़ामिया पर यह हकीकत आश्कारा हो गई यानी हकीकत वाजिया हो गई कि नई नस्ल को दबाना कोई आसान काम नहीं, तो उन्होंने मुझसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने मुझे मेरा हक दिलाने का ज़िम्मा लिया। अब तो मैं हर वक्त दादा के साथ साए की तरह चिपका रहता, डॉक्टर की दवा की तरह हर 3 घंटे के बाद दादाजी को इनका वादा याद दिलाता, और दादाजी भी हर बार, याद है बेटे, हमें सब याद है, कल ही तुम्हें साइकिल लेकर देंगे, कहकर टाल देते या टाल मटोल करते। लेकिन वो खुशकिस्मत कल ना आया। दादाजी ने अपने किसी हम असर यानी हम जमाना अजीज से जमाना कबल मसीह की एक अदद साइकिल मेरे लिए खरीद डाली। साइकिल को गौर से देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए, यानी साइकिल की हालत इस कदर खस्ता थी कि उसको देखकर मैं रोने वाला हो गया या रोने लग गया। मैं चीखता चिल्लाता साइकिल को घसीटता वालिद मोहतरम के हजूर पेश हो गया और शिकायत की कि दादाजी ने मेरे साथ संगीन मजाक किया है, संगीन यानी सख्त या दुख देने वाला मजाक। इन्होंने मुझे जानबूझकर अपने दादा से भी ज़ायदुल उम्र यानी ज़्यादा उम्र की या पुरानी ये साइकिल ख़रीद दी है। मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, लेकिन लिखे हुए मुकद्दर की तरह मुझे चारों नचार यानी मजबूरन
ये साइकिल कबूल करना ही पड़ी, क्योंकि वालिद मोहतरम ने नहायत मुशफिकाना अंदाज में मुझसे कहा, मुशफिकाना अंदाज शफकत भरे। बेटे फिर क्या हुआ अगर ये पुरानी है? मैं अभी से खालिद साइकिल वर्क्स के वालों को दे आता हूँ, वो इसकी मुकम्मल ओवरहॉलिंग यानी सफाई और दुरुस्ती कर देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये नई है या पुरानी। सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। अब्बा जी ने साइकिल उठाई और खालिद साइकिल वर्क्स वालों को दे आए। उन्होंने 2 दिन बाद देने का वादा किया। ये 2 दिन में दीवारों, कुर्सियों और मेज़ों पर बैठकर पैडल घुमाने के अंदाज में टांगें चलाता रहा। मुकर्रर दिन शाम को जब अबू दफ्तर से लौटे लौटे यानी वापस आए तो उनके पास मेरी साइकिल भी थी। अब तो उसकी काया पलट चुकी थी यानी हालत बदल चुकी थी, यानी बुढ़ापे में भी जवानी का आलम था। उसमें कई इजाफे हो चुके थे, मसलन घंटी, स्टैंड, कैरियर प्रिंस, 007 की नंबर प्लेट वगैरह वगैरह। रात सारी मैं इस पर कागज़ चढ़ाता रहा ताकि दोस्तों को बता सकूं कि ये नई खरीदी है। इससे फारिग होकर मैंने 2-3 चक्कर सहन ही में लगाए और इसे सरहाने खड़ा करके सो गया। सुबह सवेरे उठते ही मैंने साइकिल निकाली और मोहल्ले में घूमना शुरू कर दिया। तो दूर नज़दीक यहाँ तक के पड़ोसियों के घर भी कोई काम होता तो मैं साइकिल पर ही जाता। मेरे पास यही उसकी मुख्तसर सी जवानी थी। मुख्तसर यानी छोटी सी या थोड़ी सी, थोड़े अरसे के लिए मुख्तसर सी जवानी थी। चंद ही रोज़ बाद साइकिल से सदाए एहतजाज ना चढ़ बुलंद होना शुरू हो गई। गोया पुराने की बज़ाहिर टिप टॉप यानी आराइश या ज़ेबाइश बेसूद यानी बेफ़ायदा निकली। अब मैंने उसके आगे सफ़ेद झंडा लगा दिया ताकि दूर से आने वाले ये समझ आए कि इस अमन पसंद से टक्कर लेना महंगा पड़ेगा। वैसे तो दूर दूर तक ये खुद ही अपनी आमद की इतला पहुंचा देती है ताकि लोग मोहतरमा के लिए खुद ब खुद रास्ता बनाते जाएं। अगर कोई फिर भी ना हटे तो मुझे तरह तरह की गर्दानें दोहराना पड़ती हैं, मसलन मेरा ज़िम्मा लूटपोट या फिर ब्रेकों बगैर ही। वक्त के साथ साथ अब ये साइकिल सिर्फ हैंडल, पैडल, 2 पहियों और चंद सरियों पर मुश्तमिल रह गई। बाकी चीज़ें शायद कबाड़ियों के पास पहुंच चुकी हैं। ज़रा वो नक्शा तो आंखों के सामने लाएं। एक अच्छा भला शरीफ आदमी 3-4 सरियों पर चढ़ा कैसा लगता होगा? यकीनन बाजीगर यानी करतब दिखाने वाला। क्या लोग उसके एहतराम में खुद ही रास्ता ना छोड़ देते होंगे कि कहीं ये हमारे सर ही ना चढ़े? यही वजह है कि आज तक मुझे कोई हादसा पेश नहीं आया। हादसा यानी सानहा। ये अलग बात है कि रास्ते में हम एक दूसरे से उलझ जाते हैं, ये हमारा खानगी मामला है, खानगी यानी घरेलू। इससे भला दूसरों को क्या मतलब? अक्सर ही ये होता है कि जाती दफ़ा मैं इस पर सवार होता हूँ और आती दफ़ा ये, क्योंकि ख़राब हो जाए तो आदमी समझता है चलो यार पैदल ही चलते हैं, लेकिन ये ऐसी ज़िद्दी है कि पैदल भी नहीं चलने देती और फिर छोटे बच्चों की तरह मजबूरन इसे गोदी उठाना पड़ता है। इस पर बैठा आदमी लगता भी ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हो। इसकी वजह यह है कि गद्दी हैंडल से काफ़ी बुलंद और दूर है। फिर इसके खड़ा होने और ब्रेकें लगाने का भी अनोखा ही तरीका है। पहले तो पिछली ब्रेक सिरे से ही गायब है और अगली जो लगती है उसे हैंडल से भी ऊपर ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर रफ्तार में कमी वाकया होती है। अगर हंगामी फौरी ब्रेक लगाना मकसूद हो तो पांव तारों में देना पड़ता है। इसके अलावा ब्रेकें लगाने का कोई और हल मैं हनूज दरियाफ्त नहीं। पिछले मौसम सरमा का जिक्र है। मैं कॉलेज से आ रहा था, रास्ते में इसे पता नहीं क्या सूझी कि ये 1 से 2 बन बैठी। गोया एक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक ना हो दो हो गई हूँ। मैं सर्किस में तो काम करता नहीं था, जो एक ही पहिए पर चढ़कर घर पहुँच जाता। वहाँ से घर भी काफ़ी दूर था और फिर रास्ते में कोई वाकिफ भी ना था जिसकी दुकान पर इसे बतौर अमानत रखा था। चुनाचा मुझे मजबूरन दोनों हिस्से अलग अलग हाथों में पकड़ कर घर आना पड़ा। अहल मोहल्ला मेरी तरफ ताज्जुब की निगाहों, ताज्जुब यानी हैरत भरी निगाहों से देखते रहे और अज़राहे हमदर्दी यानी हमदर्दी के तौर पर हमदर्दी फरमाते। ताहिर अगर पढ़ाई छोड़ दी थी तो फिर कोई और अच्छा सा काम करती, ये भी कोई काम है?
अब तो अपनी बेइज्जती में कोई कसर बाकी ना रही थी। चुनाचे मैंने कसम खाई कि आज के बाद इस पर सवारी करना मेरे लिए हराम है। घर वालों ने इसे दोबारा वेल्ड करवा कर मेरे हवाले कर दिया, लेकिन मैं अभी इसे कॉलेज लेकर नहीं जाता। लिहाजा मेरे साथी बिला नागा यानी सिलसिलावार नागा किए बगैर इसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। बास दिल जले तो इस किस्म की सरगोशियाँ करते सुने जाते हैं। ताहिर ने इसका लून ले लिया है। लून ले लिया है इसका मतलब, इस जुमले का मतलब यहाँ पर यह है कि ये इस कदर खस्ता हालत में हो चुकी थी कि अगर इसको मैं बेचता तो इसका सिर्फ नमक ही ख़रीदा जा सकता था। अज़राह मज़ाक यानी मजाक के तौर पर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अगर किसी को भूख ना लगती हो, मोटापा, गैस और बदहजमी की शिकायत हो, या किसी के पट्ठों वगैरह में दर्द रहता हो, तो ताहिर का होंडा 5 मिनट तक चलाए तो उसे यकीनन इस अमृत धारा यानी आब हयात के इस्तेमाल से सैकड़ों बीमारियों से निजात मिल जाएगी। लोग अब मुझे इसकी वजह से पहचानते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ तक नहीं लगाता। एक ख़ास मकसद के लिए रख छोड़ा है, यानी जब भी कोई घर में साइकिल पड़ा देखता है तो थोड़ी देर के लिए मांगने आ जाता है, तो हम उसे ये बसित खुशी अनायत कर देते हैं। जब वो वापस करके जाता है तो शुक्रिया के साथ साथ साइकिल की शान में इस तरह कसीदा गोई करता है यानी उसकी तारीफ करता है। आपकी साइकिल ने बहुत तंग किया है, कई बार तो उसे पंक्चर लगवाया लेकिन दो गाम न चलने पाया था, दो गाम यानी दो कदम, कि फिर टायर ने सदा लगाई आवाज़ लगाई थम ए रहरू के, शायद फिर कोई मुश्किल मकाम आया। रहरू यानी राही। शायद इसकी ट्यूबें कागज़ की हैं जो ज़रा सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कदर पुरानी है कि ना तो इससे कोई खरीदने को तैयार होता है और ना ही मेरा जी इसको रखने को करता है। हज़ार बार कोशिश कर चुका हूँ, हुसन भी निखारा यानी संवारा है, और ख़ुद भी समझाया बुझाया है कि मेरी प्यारी अब किसी और से गुजारा कर लो, लेकिन जालिम को इस कदर मोहब्बत और अकीदत हो चुकी है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। जब कोई गाहक गलती से फंस ही जाता है तो ये दुराने आजमाइश ही इससे गिले शिकवे शुरू कर देती है। हर जोर से ऐसी ऐसी दर्दनाक सदाएं निकालती है, सदाएं यानी आवाज़ें, कि उसे रहम आ जाता है और वो शाम का वादा करके चला जाता है। लेकिन इसकी रुखसती की शाम अभी तक नहीं आई और अब ये मशरकी सुहागन की तरह मशरकी सुहागन की तरह जिस घर में आई थी उसी की होकर रह गई है, और उम्मीदें वासिक यानी पुख्ता उम्मीद है कि किसी दिन इसका जनाजा ही हमारे घर से उठेगा। अब तो मैं इसे बिला कीमत ही किसी के सर मुंढने यानी किसी के ज़िम्मे लगाना सर मुंढने को तैयार हूँ। इस जुमले का मकसद यह है कि बिना पैसों के भी किसी को देने के लिए तैयार हूँ। इस मकसद के लिए कई बार इसे बग़ैर ताले के भी बाहर छोड़ा, लेकिन कोई इस हसीने आलम को अगवा भी नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का काम। आपने इसका मुतालिया भी करना है और इसके दिए के मुश्किल अल्फाज के मानी को भी याद करना है। ये एक मज़ाही अंदाज में लिखा गया सबक है जिसको पढ़कर आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो इसका मुतालिया करिए और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद करिए। अल्लाह हाफिज़।